हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुंबई मार्केट मसाला। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ या बताने वाली हूँ अपना सीक्रेट बालों के कलर का। कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? अच्छे लग रहे हैं। ये प्रोफेशनल कलर मैंने करा है। यकीन करिए, सिर्फ 20 रुपए में मेरे बाल ये हाईलाइट हो गया है। तो मैंने कोई 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ वाला पैकेट नहीं यूज़ किया है, मैंने प्रोफेशनल कलर यूज़ किया है जो बड़े बड़े पार्लर्स, लॉरियल या फिर इनरिच, जो बॉम्बे में बड़े बड़े मॉल्स में नज़र आती हैं पार्लर्स। इस एक ट्यूब में मैंने 5 बार अपने हेयर कलर मैं कर सकती हूँ टचअप, ऑल ओवर नहीं। अगर ऑल ओवर करना है तो एक ट्यूब पूरी जाती है, बिकॉज मेरे बाल काफ़ी बड़े हैं और माशाल्लाह काफ़ी घने भी हैं। अभी हमारा प्लास्टिक का चम्मच होगा, वो यूज़ करें तो एक चम्मच ये यूज़ करें, एक चम्मच ये यूज़ करें। कलर करने के 20 या 25 दिन बाद हमारे बाल की जब ग्रोथ बढ़ती है तो वो वाइट वाइट कलर के बाल हमारे चेहरे के करीब दिखाई देने लगते हैं। तो आज हम उन्हीं को कलर करेंगे टचअप। इस ट्यूब में मैं कम से कम 5 बार टचअप करूंगी। एक बार मैं कर चुकी हूँ, यह दूसरी बार है इस ट्यूब को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने कॉपर ब्राउन कलर लिया है और डेवलपर मैंने 40 का लिया है वॉल्यूम, क्योंकि मैं सिर्फ 15 मिनट कलर को रखने वाली हूँ और इसीलिए मैं 40 वॉल्यूम ले रही हूँ। हमेशा अपना स्किन टेस्ट कर लीजिए अगर आप कलर कर रहे हैं, या तो अपनी कोहनी के पास या फिर कान के पीछे की तरफ आप कलर इस्तेमाल करके देख सकते हैं कहीं आपको इससे एलर्जी तो नहीं है। कलर को हम मिक्स कर लूँगी, दोनों को मैंने इक्वल लिया है। इस तरह से आप अगर क्लिप लगा के अपने बालों को कलर करेंगी तो बहुत आसानी से हो जाएगा, सेक्शंस बन जाएंगे इसके। हम अपने बालों को टचअप कर रहे हैं, पूरा हेयर कलर नहीं कर रहे हैं। तो बालों की जड़ से लेकर ऊपर तक 1 से 1.5 इंच के लिए ही आप कलर करें, उससे ज़्यादा आप कलर मत कीजिए। देखिए, इस तरह से मैंने सेक्शन करके सारे बालों को आगे से कलर कर लिया है, बिकॉज यही चेहरे के करीब वाला जो होता है ना, ज़्यादातर हम क्रीम कुछ इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से ये काफ़ी मरतबा कलर निकल भी जाता है और बालों की ग्रोथ भी होती है। इस स्ट्रीक्स एरेगन ऑयल वाले जो कलर की, ये एक अच्छी बात है कि ये आपकी स्किन पर स्ट्रेन नहीं छोड़ता, कोई भी दाग धब्बा नहीं लगता है। नॉर्मल 30-40 वाला मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन ब्राउन हो जाती है, फिर अगर मैं डे लाइट में कहीं जा रही हूँ तो वो काफ़ी नज़र आता है, शाम को तो खैर फिर भी नहीं दिखाई देता। देखिए, मेरी स्किन पे ज़रा भी वो कलर नहीं आया है। ये कलर बिल्कुल नेचुरल लाइट है, ये सनलाइट, इसमें मॉर्निंग टाइम है, ये कलर कैसा दिखाई दे रहा है। काला कलर कभी मत कीजिए, बिकॉज़ हमारी इंडियन स्किन पर काला रंग बिल्कुल भी सूट नहीं करता, बहुत आर्टिफिशियल लगता है। देखिए, ये ब्राउन यूज़ किया है मैंने, कॉपर ब्राउन कलर, देखिए कितना प्यारा आया है और बिल्कुल मेरे जो बालों की ग्रोथ वाला जो हिस्सा था यहाँ पे स्पेशली, जो हल्का सा वाइट था। कान पे भी मैंने कलर लगा दिया था लेकिन उस पर भी दाग नहीं है, मैंने दाग को कोई छुड़ाया नहीं है। ये बिल्कुल मैं हेयर वॉश कर आई हूँ और मैंने नेचुरल हेयर में एयर में इसे सुखाया है, मैंने ड्रायर नहीं यूज़ किया है। कोशिश करें कि अपनी नेचुरल हवा में ही अपने बालों को आप सुखाएं, हमेशा ड्रायर स्ट्रेटनर नहीं यूज़ करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कलर बहुत अच्छा है ये।